हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द वैल्यू नॉलेज, जिसमें हम आपको लेटेस्ट टॉपिक्स के ऊपर एकदम अपडेटेड और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हो, हमारे चैनल पे हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, जिसमें तो कोई तो फ्रीलांसिंग जॉब्स के ऊपर है, कोई तो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के ऊपर है, कोई तो पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर है, हमने ब्लॉगिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, हमने एजुकेशनल करियर के ऊपर वीडियोस डाले हैं। और ये सारे वीडियोस दोस्तों आपका जो भी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसमें आपको एक वैल्यू नॉलेज मिलता है, जिससे आपको जो भी आपके प्रॉब्लम्स आते हैं डेली लाइफ में वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको ब्लॉगिंग के रिलेटेड एक और अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग में काम करते हो, अगर आपका खुद का ब्लॉग है, तो आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले कि आपके ब्लॉग के ऊपर हाई क्वालिटी डू फॉलो लिंक कैसे बनाए। दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग के इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी कि DA क्या होता है, PA क्या होता है और बैकलिंक्स क्या होती है। अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं है तो आप हमारे बाकी के वीडियो ज़रूर देखो, उससे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा ब्लॉग है, हम आपको एकदम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आप ऐसे परमानेंट बैकलिंक्स कैसे प्रोवाइड करते हो कैसे प्रोवाइड कर सकते हो आपके ब्लॉग के ऊपर, जिससे आपके ब्लॉग का डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता ही होगा कि आप HREFS टूल में आप किसी भी ब्लॉग के बैकलिंक्स ढूंढ सकते हो, आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो हमने हमारे ब्लॉग के यहाँ पे बैकलिंक्स ओपन किए, आप जैसे कि देख पा रहे हो मोर देन 76% हमारे डू फॉलो बैकलिंक है। तो दोस्तों, ये सारे बैकलिंक हमने कैसे क्रिएट किए हैं और आपको कौन से बैकलिंक्स पे फोकस देना है वो भी हम आपको बताएंगे, आपको स्पैमिंग कैसे अवॉइड करनी है, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको बताने वाले। तो दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हो, हमने अभी आपको दो तीन एग्जाम्पल ओपन करके दिखाने वाले हैं। अभी हमने ये ओपन कर दिया और ये भी ओपन कर दिया, ये ओपन कर लिया। तो ये सारे अभी हमने जहाँ से बैकलिंक्स लिए है वो वेबसाइट के लिंक हमने ओपन किए अभी। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो दोस्तों, इनमें से कुछ तो वेबसाइट्स ऐसी है जहाँ पे हमने कमेंट किए हैं, जहाँ पे हमने कमेंट करके बैकलिंक लिया है, और कुछ तो वेबसाइट्स ऐसी है जहाँ पे हमने हमारा प्रोफाइल बनाया है, उसमें से कोई तो फोरम्स है, कोई तो वेबसाइट्स है। ये देखो, यहाँ पे फोरम पे हमने हमारा प्रोफाइल बनाया है और वहाँ से बैकलिंक लिया है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना कि आप जब भी बैकलिंक बनाओ दोस्तों, आप ज़्यादातर ऐसी वेबसाइट्स पर फोकस करो जहाँ पे आपका प्रोफाइल बनेगा, और वो प्रोफाइल पे आप डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे लिंक दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप, होम पेज यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमने लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, अगर आप ऐसी वेबसाइट्स पे आपका लिंक डालोगे जैसे कमेंट्स करते हैं, लेकिन होता क्या है, वहाँ से आपको लिंक तो मिल जाता है, ठीक है, आपको अच्छा खासा लिंक मिलता है एकदम हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट से, लेकिन वो लिंक बहुत कम टाइम के लिए रहता है दोस्तों, वो लिंक निकल जाता है, वो टेम्प्ररी लिंक रहता है, वो परमानेंट लिंक नहीं रहता है। तो उसका बेनिफिट आपको आपकी वेबसाइट को नहीं मिलता है, इसका हम अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी देख पा रहे हो हम, हमारे अभी मोज बार में अगर जाते हैं, देखो हमारे वेबसाइट का PA है 33, DA 31, और ये सारे यहाँ पे लिंक्स दिख रहे हैं। अभी अगर हम ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे कुछ तो जो ग्रीन में दिए हैं ये परमानेंट लिंक है, और जो आप ये रेड में देख रहे हो ये सारे वो लिंक्स जो निकल गए हैं। तो ये सारे वही लिंक है दोस्तों जो हमने कमेंट किए थे, वेबसाइट पे कमेंट किए थे, तो वो कुछ टाइम के लिए तो वहाँ पे थे, लेकिन ऐसा होता है कमेंट जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो लिंक्स वहाँ से निकल जाते हैं, और वो उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, हम आपको यही एडवाइस करेंगे, आप जब भी आपके वेबसाइट के लिए डू फॉलो बैक लिंक लेना चाहोगे, आप ऐसे वेबसाइट पे आपका लिंक बनाओ जो हमेशा के लिए रहेगा। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, आपको उन्हीं वेबसाइट पे लिंक बनाना है जिनका स्पैम स्कोर बहुत कम है। आप ये डीमोज का जो टूल बार है वो आप हमेशा आपके गूगल क्रोम में इंस्टॉल करके रखो। अगर आपको ये पता नहीं है कि ये मोज बार ऐड कैसे करना है, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, बहुत छोटा 2-3 मिनट का प्रोसीजर है, जिससे क्या होता है दोस्तों, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो ऊपर आपको दिख जाता है कोई भी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी कितना है, पेज अथॉरिटी कितना है, जिससे आपको ये चीज़ें पता चलती है कि लाइक वो वेबसाइट कितना स्ट्रांग है, उसका स्पैम स्कोर कितना है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो दोस्तों, अगर कोई भी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी अगर ज़्यादा है, लेकिन अगर उसका स्पैम स्कोर भी ज़्यादा है, तो उसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है।
बस लाइक डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने के लिए आप अपने वेबसाइट का स्पैम स्कोर मत बढ़ा लो, नहीं तो क्या होगा, आपका स्पैम स्कोर अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपका वेबसाइट गूगल बैन भी कर सकता है और आपका सर्च इंजन में आपका वेबसाइट बहुत नीचे जाता है। तो आपका अगर डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा भी रहेगा तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, आप ऐसी वेबसाइट पर डालो जो क्वालिटी है, जहाँ पर स्पैम स्कोर 4% से भी कम है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें थी, आप हमेशा याद रखो, आप नो फॉलो बैकलिंक जब भी बनाओगे तो अब आप कहीं से भी बना सकते हो, आप कमेंट में बना सकते हो, क्योंकि अगर वो परमानेंट नहीं रहती है, टेम्पररी रहती है तो भी चलेगा, क्योंकि उससे कुछ आपका फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें आप याद रखो, लेकिन जब डोमेन अथॉरिटी की बात आती है तो आपको दोस्तों बहुत केयरफुल रहना है, आपको उन्हीं वेबसाइट पे लिंक बनाना है, बैकलिंक लेना है जो अच्छी क्वालिटी की है और जो आपको परमानेंट बैकलिंक देगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वेज जिससे आप फ्री में बैकलिंक ले सकते हो दोस्तों, आपको एक रुपया भी आपके जेब से देने की ज़रूरत नहीं है, हमने खुद ने ये ट्राई किया है। और दोस्तों आप देख पा रहे हो हमारे वेबसाइट पर हमने लाइक गूगल एडसेंस हमारा अप्रूव है, लेकिन हमने उसे डिसेबल करके रखा है, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, अलग तरीके हैं जिससे हमारे वेबसाइट पे अर्निंग कर रहे हैं, और हमारे वेबसाइट को सिर्फ अभी एक या एक डेढ़ साल से भी कम हुआ है, फिर भी हम अर्निंग कर रहे हैं। तो कैसे अर्निंग कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, आप वो ज़रूर चेकआउट करो, जिससे आपको पता चलेगा कि गूगल एडसेंस के अलावा ऐसे कौन से और तरीके हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हमें आपको एक्सप्लेन करने की थी, जब भी आप बैकलिंक्स बनाओ आप ये चीज़ें हमेशा याद रखो, नहीं तो क्या होता है, वो बैकलिंक आप बनाने जाओगे और वो आपके वेबसाइट को डैमेज कर देगी, आपका स्पैम स्कोर बढ़ा देगी और आपका डोमेन अथॉरिटी भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो में इतना ही था दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग के रिलेटेड ऐसे बहुत सारे टिप्स, ऐसे बहुत सारे नॉलेज आपको जानना है तो आप हमारे अदर वीडियोस भी ज़रूर देखो, हमने बहुत यूज़फुल प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर किया है जिससे आपको पता चलेगा, हमने हमारी ब्लॉग की सक्सेस स्टोरी भी शेयर की है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के ऊपर, पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर, वो आप ज़रूर चेक करो। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो में इतना ही था दोस्तों, अगर आपको ब्लॉगिंग के रिलेटेड या फिर कोई भी टॉपिक पे अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखो, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो में इतना ही था दोस्तों, जल्द ही लौटते हैं एक नए नॉलेज के साथ जिससे आपका एक वैल्यू नॉलेज बढ़ेगा, आपका इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।